प्रस्तुतकर्ता खिलता बचपन रोग से छुट्टी बाल जीवन घुट्टी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी। प्रभारी राधामोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह समेत सभी पदाधिकारी मौजूद। सोनभद्र पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले यहां आकर और मजबूत हुआ मेरा विश्वास, ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है देश की आत्मा। सीएम योगी भी साथ में मौजूद। सीएम तीरथ रावत की ताजपोशी पर प्रदेश कार्यालय में कल अभिनंदन कार्यक्रम, बीजेपी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर बोले सीएम तीरथ सिंह रावत, गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर सरकार कर सकती है पुनर्विचार। बाराबंकी में प्रशासन ने सड़क के बीच बनी मजार को हटाया, सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक निर्माण हटाने का लिया है फैसला। रायबरेली के गांव में अधेड़ का मिला शव, शख्स के दो लोगों से हुई थी मारपीट। करप्शन रोकने के लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी का बड़ा कदम, टेंडर भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता के लिए बनाई कमेटी। बैराज के चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज में बहता मिला डॉल्फिन का शव, वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में बिजली कनेक्शन काटने गए टीम के साथ मारपीट का मामला, घटना का वीडियो वायरल। कानपुर में एक युवक का सिरकटा शव मिलने से इलाके में हड़कंप, 3 दिन से लापता था शख्स। हमीरपुर में क्रिकेट मैच के दौरान बार बालाओं ने लगाए ठुमके, डांस का वीडियो वायरल। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, 2 आरोपी फरार। बिजनौर में किशोरी ने खाया जहर, छिड़खानी का मामला आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में अज्ञात कारणों से एक मकान में लगी आग, हादसे में एक महिला की मौत। यूपी में 56 नई नगर पंचायतों को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, नगर पंचायतों में शहरों जैसी सुविधा देने की योजना। यूपी में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का फैसला, सीएचसी पीएचसी और मंडलीय अस्पतालों में भी सप्ताह के 6 दिन होगा टीकाकरण। कानपुर के गोविंद नगर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी बस से टकराई, मौके पर नहीं था कोई मौजूद। कासगंज में मामूली बात पर दो पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के आरोपी हिरासत में। कानपुर पर अभी चढ़ा होली का खुमार, तेजी से किया जा रहा है अबीर गुलाल तैयार करने का काम। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले 3 शव, घटना से इलाके में हड़कंप। गाजियाबाद में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी का किया खुलासा, 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में नर्सिंग होम प्रबंधक की शिकायत पर फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार, आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। हाईकोर्ट की टीम ने हरिद्वार कुंभ मेले का किया निरीक्षण, अधूरे कामों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। सीतापुर में आज से 84 कोसी परिक्रमा हुई शुरू, 14 दिनों तक चलेगी परिक्रमा। असम के तिनसुकिया में गरजे गृहमंत्री अमित शाह, बोले असम में ना आंदोलन ना आतंकवाद, घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का आश्वासन। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर नहीं हुआ था कोई हमला, चुनाव आयोग को नहीं मिले हमले के सबूत। बंगाल में वोटिंग से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी जारी, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ क्वाड देशों का संकल्प, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त कराने पर दिखाई एकजुटता। किसान आंदोलन मामले में संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची लॉबिंग, सिक फॉर जस्टिस ने संयुक्त राष्ट्र को करीब 7 लाख रुपए दिया चंदा। एंटीलिया कार मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, शिवसेना ने एनआईए की कार्रवाई पर उठाए सवाल।